वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं तैयार होके, और तैयार होके हम लोग कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर में आप लोगों को पता पड़ जाएगा। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऑफकोर्स सबके लिए होता है। सो फिलहाल अभी जा रहे हैं, बच्चे गए हैं स्कूल। यहाँ पे रेनी सीजन चल रहा है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को क्लिप में बताया। समर पहले था, समर खत्म होते ही यहाँ पे रेनी सीजन लग गया है। और फिलहाल हम लोग हैं टेक्सास में, और लेट्स सी बाहर का मौसम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हाँ बाहर का मौसम हल्का फुल्का गर्मी वाला तो हो ही रहा है। ऑफ कोर्स ह्यूमिडिटी भी है यहाँ पे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, पर बारिश हो रही है। बहुत अच्छा है माहौल। फिलहाल रोड पे निकले हैं, हाईवे पकड़ रहे हैं। थोड़ी देर में कहाँ जा रहे हैं हम लोगों की डेस्टिनेशन आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगी। बच्चे गए हुए हैं स्कूल, और यहाँ पे हो रहा है वेडनेसडे, यानी कि वीक डे का टाइम है, और जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए। सो लेट्स सी। ऑलराइटी, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ आप लोगों को। जिस हाईवे पे है, मतलब ये एट प्रेजेंट अभी ये टेक्सास का हाईवे है, जो हाईवे का साइज है। सीरियसली ये एक्सप्रेस वे है, सीरियसली यार। मैं पता है बचपन में जब पढ़ती थी ना अपने स्कूल वगैरह में, तभी मुझे लगता था कि एक्सप्रेस वे होता है क्या और ये वो, पर आज देख भी लिया, मतलब इट्स सो रियलिटी। मतलब बिग सिटी एंड बिग थिंग्स, एवरीथिंग इज बिग इन टेक्सास। सो हाईवे भी बहुत बड़ा है यहाँ का। एक्सप्रेस वे स्पीड लिमिट कुछ जगह पे 80 से आ जाती है। यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे 85 माइल्स हो रही है। बहुत बड़ी चीज है बाबा। चलिए चलते। तो जी हम लोग आ गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, टोयोटा के शोरूम में आ गए हैं। देयर यू गो।
चलिए शुभारंभ करते हैं। ओम गम गणपते नमः। चलिए ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, एक टेस्ट ड्राइव लेकर आते हैं अपनी प्यारी से नई गाड़ी के साथ। देयर यू गो, सीट एडजस्ट कर लेते हैं, एसी वगैरह देख लेते हैं। देयर यू गो, सो हैप्पी राइड अवर, कांग्रेचुलेशंस। देयर यू गो, सारा एक्साइटमेंट हम वीडियो के अंदर ही होता है। चलिए वापस से कैचअप करती हूँ, चलते हैं एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पे। चलो चलो। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं हाईवे की तरफ एक टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। देखो बच्चों की डायरी, आप क्या बोलना चाहोगे इस गाड़ी के बारे में, अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताओ। इट्स नाइस कार, इट्स नाइस, अच्छी इसका स्पेशियस केबिन है, कंफर्टेबल है चलाने के लिए, डिपेंडेबल है। टोयोटा इज अ वेरी डिपेंडेबल कार्स, दे मेक वेरी वेरी डिपेंडेबल कार्स। काफी स्पेशियस गाड़ी है, रूम काफी सारे हैं। हाँ, ब्लूटूथ वगैरह काफी सारा है इसके अंदर, काफी सारे छोटे छोटे फीचर्स एक साथ डाल दिए, राइट। लेग स्पेस भी है काफी सारा, देयर यू गो, एडजस्टेबल सीट्स वगैरह सब कुछ है। यस, नाइस एंड कॉम्पैक्ट गाड़ी। तो जी आ गए हैं वापस से हम लोग टोयोटा के शोरूम में, हो गया हम लोगों का टेस्ट ड्राइव। देयर यू गो, अब पेपर्स वगैरह साइन कर लेते हैं और अपनी गाड़ी को फ्री करके चलते हैं घर। देयर यू गो, देख लिया है, अब अंदर पीछे बैठ के देख लेते हैं पीछे कैसा फील हो रहा है। ये गो, पीछे की सीट्स बहुत ही लीन होती हुई है, बहुत अच्छी लग रही है। ये गो, बच्चे के दादी चेक कर रहे हैं मुझे, काफी लीन होती हुई है ये सीट को। ऊपर भी कर सकते हैं, ऊपर करना पड़ेगा इस सीट को, एडजस्टेबल है ना सीट। हम लोगों ने जो ये गाड़ी ली है इसमें पीछे ये फैब्रिक लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे कप होल्डर है, कप होल्डर बहुत जरूरी है, ऐसा कप होल्डर है। पीछे की साइड एसी दिया हुआ है जो कि मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें फ्रंट एंड बैक कैमरा है,
बेसिकली ओवरऑल ये गाड़ी पूरा आपको मजा दे देती है, जो कि आपको एक फुल पैक फुल्ली लोडेड गाड़ी में चाहिए। तो इसमें काफी सारे एसेसरीज हैं, काफी सारे फीचर्स हैं जो हम लोगों की सारी नीड्स को कंप्लीट करता है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जाके बाकी पेपर्स कंप्लीट करते हैं। बाद में तो आने वाले ब्लॉग्स में आपको सब पता पड़ता ही जाएगा हमारे इस गाड़ी के क्या क्या फायदे हैं। चलिए चलते हैं अंदर। जी फिलहाल हुआ ये कि बच्चों के डैडी डॉक्यूमेंट्स कर रहे थे, इतने में हम लोगों ने चेक कराया कि बच्चों का स्कूल टाइमिंग्स हो गया है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा एक काम करते हैं कि पेपर वर्क चल रहा है तो मैं निकलती हूँ बच्चों को पिक करने के लिए, क्योंकि बच्चों को अगर मम्मा पापा कोई नहीं दिखे पिक करने के लिए एक टाइम पे ना, तो बच्चे रोने लग जाते हैं और मैं वो सिचुएशन नहीं चाहती थी, इसलिए मैं तो निकल गई हूँ। अभी पहुंच जाऊंगी थोड़ी देर में घर पे। और जब मैं निकली हूँ यहाँ पे झमाझम पानी आ गया, तो आज तो हमने सोचा था, क्योंकि बीच में जब हम लोग वहाँ पहुंच गए थे तब तक अच्छी धूप निकलने लग गई थी, पहले बारिश हो रही थी फिर धूप निकलने लग गई, और जब मैं अभी वापस जा रही हूँ तो ये ले रहा है पूरा का पूरा 50 मिनट्स ड्राइविंग ले रहा है घर तक पहुंचने के लिए, बच्चों के स्कूल तक पहुंचने के लिए। मुझे हाईवे से जाना है, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है और बस आधा रास्ता हो चुका है, आधा मैं कवर कर लूंगी अभी। तो बस ये एक छोटा सा अपडेट था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आज यही होगा कि पानी में आएगी हम लोगों की गाड़ी, वो अच्छा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इससे हमारी गाड़ी की टेस्टिंग भी हो जाएगी कि ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है और गाड़ी का पिकअप कैसा है पानी के दौरान। तो चलिए अभी फिलहाल थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ, फिलहाल ड्राइविंग कर लेती हूँ। बाढ़ ऐसा तूफान आया हुआ है, यहाँ पे बहुत तेज पानी गिर रहा है। गाड़ी की पूजा हो गई और बच्चों को मैंने स्कूल से पिक कर लिया था, समय से पहुंच गए थे। उसके बाद बस बच्चों को अच्छे से फ्रेश कराया है और बच्चों के डैडी बोल रहे हैं कि आज वो खाना खिलाने के लिए बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा सेलिब्रेशन है, हम लोगों की गाड़ी आ गई है। तो ऑलराइटी चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ आप लोगों को।
तो जी हम लोगों का खाना हो गया है, अब जा रहे हैं एक प्यारे से राउंड के लिए। डायरेक्टली घर ना जाते हुए मैंने बच्चों के डैडी को बोला है कि एक प्यारा सा राउंड लेते हैं। नई गाड़ी आ गई है, आज की पार्टी हो गई और बच्चों ने आइसक्रीम भी खा ली, हम लोगों ने इनफैक्ट हम चारों ने आइसक्रीम खा ली। तो बस अब जाते हैं, एक छोटा सा राउंड लेकर आते हैं। चलिए आप लोग भी चलिए हम लोगों के साथ।